हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के जो डेली करंट अफेयर क्विज है, आज 11 अगस्त 2020 है और आज का हम क्विज ये देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं डेली आपके लिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ जो कि सब एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेसम्स एयर डिफेंस सिस्टम विल बी सोल्ड बाय विच ऑफ दिस कंट्रीज टू इंडिया? रशिया, इज़राइल, यूएसए एंड फ्रांस। सो इसका जो राइट आंसर है डेट इज़ यूएसए। हमने यूएसए से ये डिफेंस सिस्टम खरीदा है। तो नेसम्स की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द FATF मॉनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ इट्स मेंबर्स इन इम्प्लीमेंटिंग नेसेसरी मेजर्स, रिव्यूज मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग टेक्निक्स। तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेन मकसद क्या होता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज़ को, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है जहाँ टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है, उसके ऊपर कर्व करती है, ठीक है, उसके ऊपर ये नज़र रखती है और उसके खिलाफ एक्शन भी लेती है, ठीक है। तो ये है FATF का मेजर काम। और सेकंड ऑप्शन है, वंस अ कंट्री इज़ ब्लैक लिस्टेड, FATF अर्जेस ऑल मेंबर कंट्रीज टू पुट इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन द ब्लैक लिस्टेड कंट्री। और थर्ड है ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, हैज़ मेंबरशिप ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो पास कर लें और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इसका जो आंसर है, राइट आंसर बी पार्ट है, 1 एंड 3, ठीक है। तो चलिए FATF के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। FATF वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1989, जो 1989 में एस्टेब्लिश हुई थी ऑन द इनिशिएटिव ऑफ G7 कंट्रीज। और FATF की जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पर है? पेरिस में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज IEBR समटाइम्स सीन इन न्यूज़। तो क्या है ये इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज? फाइनेंसिंग रिसीव्ड फ्रॉम IFC मसाला बॉन्ड्स, रिसोर्सेज रेज्ड बाय द PSUs थ्रू लोन्स एंड इक्विटी, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट थ्रू फॉरेक्स रिजर्व्स, जहाँ Basel III कैपिटलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है डेट इज बी, रिसोर्सेज रेज्ड बाय द PSUs थ्रू लोन्स एंड इक्विटी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APIDA। तो क्या है ये? इट इज़ ए स्टैचुटरी बॉडी। ए फार्मर कनेक्ट पोर्टल हैज़ बीन सेटअप बाय APIDA फॉर प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एंड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज टू इंटरेक्ट विद एक्सपोर्टर्स। इट इज़ सिचुएटेड अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ए पार्ट, ठीक है, 1 एंड 2। 1 और 2 ऑप्शन दोनों ही सही हैं। तो APIDA बेसिकली है क्या? ये एस्टेब्लिश की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, अंडर द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APIDA एक्ट 1985, ठीक है। और इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो किसके अंडर ये काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू रशिया, आइसलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। तो फ्रेंड्स, आर्कटिक सर्कल किन किन कंट्रीज से पास होता है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है डी पार्ट, 1, 2, 3 एंड 4। तो फ्रेंड्स, आर्कटिक सर्कल्स से टोटल 8 कंट्रीज पास होती हैं। आर्कटिक सर्कल 8 कंट्रीज को कवर करता है और बाकी की जो 4 कंट्रीज है वो आपके लिए होमवर्क है। आप मैप में देखें और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें कि ये 8 कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये रशिया, आइसलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, चारों आर्कटिक सर्कल ही पार्ट हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोनारेशिया एल्बा विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, ये क्या है बेसिकली इज? तो इसका आंसर है सी पार्ट, एन एवरग्रीन मैंग्रोव स्पीशीज। तो ये कहाँ पर है? चलिए इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। इट इज़ फाउंड अलॉन्ग द महाराष्ट्र कोस्ट लाइन। कहाँ पर ये पाई जाती है? महाराष्ट्र कोस्ट लाइन में पाई जाती है। ये एक एवरग्रीन मैंग्रोव स्पीशीज़ है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेम इंडिया? टू इंक्रीज इंडिया सॉफ्ट पावर थ्रू पेनिट्रेशन ऑफ इंडियन सिनेमा, टू क्विकली अडॉप्ट एंड मैनुफैक्चर हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स,
to promote tourism in Southeast Asian countries, to provide scholarship to top 500 school students for higher education in reputed foreign colleges. तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बी पार्ट, टू क्विकली अडेप्ट टू एंड मैन्युफैक्चर हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. ठीक है, तो फेम इंडिया की फुल फॉर्म फ्रेंड्स क्या है, ये बेसिकली है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. ठीक है, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नोटिफाई किया है अंडर द स्कीम कौन सी, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. एट्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रेफरेंस टू महाराष्ट्र स्टेट. तो ये आप मैच दी फॉलोइंग करें कि महाराष्ट्र स्टेट में क्या क्या आता है. तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ए पार्ट, वन ऑनली. महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल जो है फ्लाइंग स्क्विरल है, फ्लाइंग स्क्विरल. और इसकी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं. महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल आ गया आपका फ्लाइंग स्क्विरल, और स्टेट ट्री आ जाता है आपका फ्रेंड्स मैंगो महाराष्ट्र का, और स्टेट एनिमल जेंट स्क्विरल, स्टेट बर्ड ग्रीन पिजन, स्टेट बटरफ्लाई ब्लू मॉर्मन, एंड स्टेट फ्लावर जरुआ. ठीक है, तो ये हैं फ्रेंड्स इसकी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, ये भी आप नोट कर लें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हम्पबैक बेल. दे आर सेक्सुअली डाइमॉर्फिक इन नेचर, दे हैव बीन लिस्टेड एज एंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट. तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए पार्ट, वन ऑनली. दे आर सेक्सुअली डाइमॉर्फिक इन नेचर, हम्पबैक बेल. ठीक है, तो इसका IUCN स्टेटस जो है फ्रेंड्स, IUCN स्टेटस इसका लीस्ट कंसर्न है. ठीक है, IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, और इट इज़ फाउंड अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है. कवकज 2020 स्ट्रेटजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज इज हेल्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर स्टेट्स. कौन कौन सी मेंबर स्टेट के साथ ये कवकज हमारी एक्सरसाइज होगी. तो ये है फ्रेंड्स 10th का आंसर है रशिया एंड SCO मेंबर्स, रशिया और SCO मेंबर्स. तो SCO यू नो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जितनी मेंबर कंट्रीज हैं इनके बीच में ये एक्सरसाइज होती है रशिया के साथ. ठीक है, तो इस बार की ये एक्सरसाइज कहाँ पर हो रही है, अस्तराखान रशिया में हो रही है. ठीक है, अस्तराखान रशिया में, और इंडिया टू टेक पार्ट इन दिस एक्सरसाइज.